दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल की डिट्टो कॉपी भी है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो में जान लीजिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो पहले ही लाइक कर दीजिए, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल पूरे विश्व में मशहूर है, और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ताजमहल के बारे में ना जानता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल की तरह कोई और भी इमारत बनवाई गई है जो कि देखने में पहली नजर में बिल्कुल ताजमहल जैसी लगती है, और इसको गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, इसीलिए इसको महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहा जाता है। जहां शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था, वहीं इस महल को देखकर और इससे इंस्पायर होकर औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आलम शाह ने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में इसे बनवाया था, जिसको को बीवी का मकबरा कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1651 से 1666 ईस्वी के बीच करवाया गया, और इसे देश का दूसरा ताजमहल माना जाता है। इस इमारत को बनवाने में 7 लाख रुपए उस वक्त खर्च हुए थे, जबकि ताजमहल को बनवाने में उस समय की लागत 3.20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। शायद यही वजह है कि बीवी के मकबरे को गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। आगरा के ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया था, वहीं इस मकबरे का सिर्फ गुंबद ही संगमरमर से बनवाया गया है। बाकी का सारा हिस्सा प्लास्टर से तैयार किया गया है, ताकि वो दिखने में संगमरमर जैसा ही लगे। ओह, तो अब रियल वजह हमें पता चली कि इसे गरीबों का ताजमहल क्यों कहा जाता है। वहीं इस मकबरे के अंदर की बात करें तो इस मकबरे के अंदर सुंदर गार्डन्स हैं, और एक सुंदर सा पाथवे है, और इसके गार्डन की दीवारों की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा ही है, ताकि बाहर का कोई इंसान अंदर न देख सके, और इसके तीनों ओर ओपन पवेलियन भी है। मकबरा एक ऊंची वर्गाकार प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जिसमें कोनों पर 4 मीनारें बनी हुई हैं, बिल्कुल ताजमहल की तरह, और इसके अंदर 3 ओर से पहुंचा जा सकता है। मेन गेट के रास्ते के मध्य में फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि हरे भरे गार्डन से घिरी हुई हैं। और अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको यहाँ की एंट्री फीस 250 रुपए देनी होगी। यहाँ घूमने जाने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में यहाँ काफी गर्मी पड़ती है। तो अगर आपका भी मन कभी घूमने जाने का बने यहाँ, तो आप भी अक्टूबर से मार्च तक ही घूमने चाहिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बीबी का मकबरा आपको कैसा लगा, और आप किस प्रदेश और किस शहर से हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।